लक्सर में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान सहित टीम ने अवैध खनन में संलिप्त 7 वाहनों को सीज किया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि अवैध खनन सामग्री से लदे वाहनों को सीज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच से अवैध खनन सामग्री को ले जाया जा रहा है। उन स्थलों की बारीकी से जांच पड़ताल की जाएगी। उन स्थानों को पैमाइश भी किया जाएगा जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। कार्रवाई मेरे द्वारा भी हुई है और जो हमारे सरकार साथियों के द्वारा भी हुई है। टोटल 7 वाहन जो पकड़े गए हैं और ये सारे के सारे मिट्टी के डंपर वो थे, क्या कह सकते हैं, ट्रॉली, मिट्टी की ट्रॉली थी। और कुछ ये आपका कुआखेड़ा से उठाई जा रही थी, वहाँ भी हम पेमाइश करवा रहे हैं कहाँ से उठी है। और एक आमखेड़ी रोड की तहसील में पड़ता है, वहाँ से उठाई जा रही थी। उसको भी जो संबंधित तहसील है उनको हमने पहले भी सूचना दे रखी दोबारा भी सूचना दी। और जहाँ पर भी डला है, जहाँ पर भी मिट्टी डल रही है, वहाँ भी हम पेमाइश करेंगे। तो जहाँ से उठा रहे हैं वहाँ भी पेमाइश करेंगे, जहाँ मिट्टी डली है वहाँ भी पेमाइश करेंगे। बाकी हमने साफ़ आने को कोशिश करेंगे।